औलाद का नाम रखने से पहले बहुत से मसाइल का जानना निहायत ज़रूरी होता है। नामों में वो नाम जो अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ख़ास हैं, किसी और के साथ उसको शरीक नहीं किया जा सकता, वो नाम रखना नाजायज़ है। बहुत से नाम हैं, उनमें चंद नामों का तज़किरा आपके सामने कर रहा हूँ। जैसे कोई अपने औलाद का नाम अल्लाह रख दे, अल्लाह कोई नाम रखेगा, ये नाजायज़ है, क्योंकि ये अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ़ अल्लाह के साथ ख़ास है, कोई आदमी नहीं रख सकता। इसी तरह खालिक, पैदा करने वाला, कौन पैदा करने वाला है? अल्लाह के अलावा कोई पैदा कर सकता है? न कर पाएगा, क़यामत तक नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये नाम खालिक, ये भी अल्लाह के साथ ख़ास है। इसीलिए जब आप अपनी औलाद का नाम रखें, सिर्फ और सिर्फ खालिक नाम न रखें। सिर्फ मैंने क्यों लगाया, यहाँ पर भी टेढ़ा है मसला, सिर्फ इसलिए लगाया कि अगर आप उसके शुरू में अब्द लगा देते हैं, अब्द की निस्बत करके लगा देते हैं, तो फिर वो नाम तो आला नाम बनेगा, वो नाम तो बेहतरीन नाम बनेगा। जैसे हदीस में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दो नाम बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एक है अब्दुल्लाह, एक है अब्दुर्रहमान। और भी नाम जो अब्द के साथ निस्बत करके आए, वो नाम भी बहुत अच्छे नाम हैं, जैसे अब्दुल खालिक। मैंने कहा अभी खालिक नाम रखना नाजायज़ है, सिर्फ खालिक, लेकिन अगर उसके उसकी निस्बत अब्द की तरफ करते हैं, अब्द की निस्बत खालिक की तरफ करके, जैसे अब्दुल खालिक यानी खालिक का बंदा, तो फिर माना ही माना बेहतरीन उम्दा माना बन गया। इसी अल्लाह नाम रखना माना था, लेकिन अगर अब्द लगा देते हैं अब्दुल्लाह, ज़बरदस्त माना वाला, बेहतरीन, सबसे अच्छा नाम अल्लाह को जो पसंद है यही नाम है अब्दुल्लाह। तो इसीलिए जो अल्लाह के साथ ख़ास हैं, जैसे लफ्ज़ अल्लाह और खालिक, ये नाम आप अपनी औलाद का नहीं रख सकते। राज़िक क्या मतलब है? रिज्क देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा किसी की ताकत और जुर्रत, हिम्मत नहीं है कि रिज्क दे सके, चाहकर रिज्क नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुदरत में है। लिहाजा ये नाम भी अल्लाह के साथ खास है, आप अपनी औलाद का सिर्फ राज़िक नाम नहीं रख सकते। हाँ, अगर आप शुरू में अब्द लगा देते हैं, अब्दुर्राज़िक, बिल्कुल राज़िक क्या है, रज़ाक, राज़िक तो नहीं है, रज़ाक, अब्दुर्रज़ाक, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राज़िक नहीं है बल्कि रज़ाक है। इसी तरह कुद्दूस, तकद्दुस वाला, ये कौन है? अल्लाह ही है, अल्लाह की ज़ात है, इसीलिए सिर्फ कुद्दूस आप नाम नहीं रख सकते। हाँ, अब्दुल कुद्दूस रख सकते हैं। बहरहाल ये चंद नाम जो मैंने बयान किए हैं, ये नाम आप अपनी औलाद का रखने से पहले ज़रा गौर फिक्र कर लीजिए। बराए करम जब भी आप अपनी औलाद का नाम रखें, उलमा से रुजू कर लीजिए, वरना शैतान आपको दलदल में फंसाएगा। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस में है कि नाम का असर बच्चे की ज़िंदगी पे भी होता है, उसके आमाल पे भी गहरा असर होता है। इसीलिए नाम रखने से पहले शरीयत टटोल लीजिए, इस्लाम की रहबरी रहनुमाई टटोल लीजिए, फिर नाम रखिए। मोहतरम नाजरीन व सामईन, आप एक मोतबर व मुस्तनद चैनल MARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए। आमीन।